Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106, or 2371-7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हरेक शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमसे आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे बात करने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 और 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं बाजार विश्लेषक शरद कोहली। कोहली जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार, थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स ऑफ मार्केट मंत्रा। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं राजेश लेख। इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स लॉग ग्रोथ ऑफ मोर देन 58% इन मार्च दिस ईयर कम्पेयर्ड टू कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। Supported by a massive vaccination drive in the country, Sensex and Nifty surged more than 2% during the holidays' shortened week. Sensex regains 50,000 mark and Nifty reclaims 14,800 level. इस वर्ष मार्च के दौरान देश का निर्यात पिछले वर्ष के इसी महीने के मुकाबले 58% अधिक रहा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण के चलते सेंसेक्स और निफ्टी में 2% से अधिक की तेजी आई। अवकाश के चलते छोटे हुए सप्ताह में सेंसेक्स ने 50,000 और निफ्टी ने 14,800 के आंकड़े को पार किया। और आज की पहली खबर, देश का निर्यात मार्च 2021 में 34 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष के इसी महीने में 21 अरब 49 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। इस तरह निर्यात में 58.23% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात 290 अरब 18 करोड़ डॉलर का रहा, जबकि उससे पिछले वित्त वर्ष में 313 अरब 36 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था। इस तरह वार्षिक आधार पर निर्यात में 7.40% की गिरावट दर्ज की गई। देश का आयात मार्च 2021 में 48 अरब 12 करोड़ डॉलर का रहा, जबकि पिछले वर्ष के इसी महीने में 31 अरब 47 करोड़ डॉलर का आयात हुआ था। इस तरह मार्च के दौरान आयात में 52.89% की तेजी आई। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 388 अरब 92 करोड़ डॉलर का आयात हुआ, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 474 अरब 71 करोड़ रुपए की रही। इस तरह वार्षिक आधार पर आयात में 18.07% की गिरावट आई। मार्च 2021 में भारत का व्यापार घाटा 14 अरब 11 करोड़ डॉलर का रहा, जबकि पिछले वर्ष के इसी महीने में यह राशि 9 अरब 98 करोड़ डॉलर थी। इस तरह व्यापार घाटे में 41.4% का सुधार हुआ। If time permits, we will have a discussion with Sharad on this story. In the meantime, we are joined in by Satish from Delhi. Satish, we welcome you. Hello, Anji. Namaskar ji. Namaskar ji. Sharad ji, aapne news suni hogi, MobiQuick user data available to sell on dark web.
फिर से सर ये बताना और सर ये बताना कि भाई जैसे ये डार्क वेब और डीप वेब है, इसमें बोला जाता है कि भाई जो भी ये स्मगलिंग का और जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की जो भी मार्केटिंग हो रही है वो सारी उस पर हो रही है। और एक ये बताना सर, जैसे ये अकाउंट, जैसे ये हमारे डाटा चोरी होकर लोग बाग बेच रहे हैं, तो ये हमारे जो अकाउंट में पैसे अकाउंट में रखने सेफ है या उससे ज्यादा बेटर है एफडी में करना ज्यादा रखने ज्यादा सेफ है, ये बताइए। देखिए सतीश, थोड़ा ये टेक्नोलॉजी का जहां इतने सारे फायदे हैं, ये एक ड्रॉबैक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हैकिंग होती है ग्लोबल लेवल पर, भारत में अन्य देशों में भी हैकिंग का बार बार सुनने में आता है। हमने अमेरिका से चीन का सुनाई दिया कि चीन ने उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैक करी, उनका डेटा हैक करा। जी हाँ बिल्कुल, इसमें जो इनहेरेंट रिस्क है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जब कोई टेक्नोलॉजी बनाता है तो उससे एक कदम आगे उसको तोड़ने वाला भी साथ साथ काम करना शुरू कर देता है। तो आपने जो डार्क वेब की बात करी, देखिए डार्क वेब पहले तो इलीगल है, डार्क वेब उसको कहते हैं जहां आपको इललेजिटिमेट तरीके से जहां पर वेबसाइट डेटा की ट्रेडिंग होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने जो प्रश्न पूछा है कि पैसे को बैंक में रखा जाए या एफडीज में रखा जाए या देखिए क्रिप्टो करेंसी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में पूरी तरह से वैध नहीं है, अभी फिलहाल लीगल नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग आप जब तक ना करें, क्रिप्टो करेंसी की बड़ी होल्डिंग आप तब तक ना करें जब तक भारत सरकार इसको एंडोर्स नहीं करती है, पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा। और बहुत ज्यादा पैसा आप क्रिप्टो करेंसी में तो वैसे क्योंकि वो वैध नहीं है तो मैं तो आपको रखने की सलाह नहीं दूंगा। हालांकि बहुत लुभावना लगता है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है पिछले एक साल के अंदर ही, हम देखें तो बहुत उसकी तरफ टेम्पटेशन होती है, बार बार उसकी तरफ झुकाव होता है। पर मैं फिर भी ये सलाह, बहुत खतरनाक है, किसी फंडामेंटल्स पे बेस्ड नहीं है, सिर्फ वो खबरों पे चलता है, उसका कोई रेगुलेटर भी नहीं है। तो इसलिए मैं क्रिप्टो करेंसी में पैसा रखने को वैसे ही एंडोर्स नहीं करूंगा जब तक भारत सरकार की स्वीकृति इस पे नहीं होगी। तो कोई इलीगल काम करने के लिए हम कभी भी आपको सलाह नहीं देंगे। तो आप जहां तक बैंकों में पैसा रखने की बात है, आपको अपना पासवर्ड बहुत प्रोटेक्टेड रखने चाहिए। अगर टू फैक्टर वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको ओटीपी वगैरह आता है, वो रखिए। जितनी आप सिक्योर्ड तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन जितने भी कार्य कर सकते हैं उसको पूरी तरह से बार बार अपना पासवर्ड को चेंज करिए। पासवर्ड मुश्किल से मुश्किल रखिए, आसान पासवर्ड मत बनाइए। और एक टू फैक्टर वेरिफिकेशन आजकल सबने दे रखा है, जहां पर आपको ओटीपी आता है तो उसे पासवर्ड अगर कोई हैक करता है उसका जो ओटीपी है वो आपके मोबाइल पर आएगा। तो इसलिए हम आपको ये सलाह देंगे, बाकी ऐसा कोई खतरा नहीं है। अगर आप सिक्योर तरीके से चलते तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रिस्क है। बाकी क्रिप्टो करेंसी से जब तक भारत सरकार वैध नहीं करती उससे दूर रहिए। और मुंबई से हमारे श्रोता धीरज लाइन पे हैं। धीरज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जी हाँ, मैं शरद जी से ये पूछना चाहता हूँ। जी, आई वॉज एन एम्प्लॉई टू अ प्राइवेट कंपनी फॉर मोर देन 15 ईयर्स and then my company it's been around a year and a half or has been dragged to the NCLT. Oh, I see. NCLT. Yeah. Okay, now what I my concern is, since I have worked there for 15 and a half years, you know, what happens to my pending dues in the gratuity post the clearance from NCLT? You see, the procedure, Dheeraj ji, in NCLT is that when the matter goes to the National Company Law Tribunal, obviously the company is going into liquidation. And the provisions of the new company law and the NCLT guidelines, NCLT is like a code. So what that code does it for, in case of a liquidation of a company, obviously the company must have lost financially and company must have been in complete ill health, I would say. That is why it went to NCLT. Now, company appoints an IRP. It is called an Insolvency Resolution Professional. So that professional assesses the entire assets of the company, that how much assets are there with this company on one side. On the second side, Dheeraji, it lists out the creditors of that company, that who are the creditors of this company. When I say, so you are also like a creditor, because your gratuity is due, you're probably, I take it as salary dues, because your salary dues are still not paid, so therefore you are a creditor. And this credit is ranked, IRP decides that which preference is to be given or which creditor has to be given preference. I still believe that the salary of the employees is amongst the preferential list. So what you should do is, you should constantly keep a watch on the NCLT proceedings and be in touch with IRP. Every company will definitely have an IRP if it goes to NCLT.
So the IRP will keep telling you that in what preference list do you rank in terms of your gratuity dues. If the company has enough funds, I can't tell you that you will definitely get it, but if company has enough assets, enough funds, and it goes into liquidation, then a list is prepared. If you are on top of the list, you may be able to recover the dues. So fingers crossed, I hope, wish and pray कि आपका इतने दिन का मेहनत का 15 साल की मेहनत है जो आपको मिलनी चाहिए. हम प्रार्थना करते हैं कि आपको मिलेगी. आप यू विल बी इन द क्रेडिटर्स प्रेफरेंस लिस्ट, बट प्लीज कीप अ फॉलो अप विद एनसीएलटी एंड द आईआरपी. जस्ट रिमेंबर दिस नेम, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. जितेंद्र इज आवर नेक्स्ट कॉलर एंड ही इज फ्रॉम दिल्ली. जितेंद्र, वी वेलकम यू. गुड इवनिंग टू कोहली जी एंड द मार्केटिंग. Good evening. My question is that I had bought a pharma company share, deals into malaria and all, and in a huge quantity. Now it is about 20% lower. So should I wait or should I switch into, you know, some steel sector or say chemical sector? That is my first question. And second is that with the short-term capital loss of 1 year, can it be offset with the short-term capital gain of the next year? Thank you. Yes. So your first question, Jitendra, first of all, as a matter of rule in market mantra, I can tell you everything about sectors, stock markets, but we do not answer specific company-related queries. So, but nevertheless, I can basically guide you. Your pharma company, we have seen that after when the corona lockdown was there, pharma sector experienced a never-before surge. We saw all pharma companies, large cap, mid cap, small cap, the stock prices shot up. Then when corona started settling down, we observed that the pharma prices, pharma company prices started cooling down. So we probably your 20% downside is under influence of that cool down that happened. So my advice to you is that if you are able to absorb the loss, the 20% loss that you are suffering, if you are able to absorb it and switch, you can. But however, I would still suggest you to wait for some time because we are observing a surge in corona. I would hesitate in saying it. I would never say that somebody should make a gain out of because the world suffers, but that is how pharma company shares move. So therefore, I would suggest you to hold on for some time and you would again observe that pharma company shares. In fact, in the last week, if you've been noticing the stock markets in the last week, movement on the upside in pharma shares have already started. So you can probably hold on for some time, observe it. If they do not move, then probably you can consider switching to technology or metal sector. और कोलकाता से हमारे श्रोता विश्वरूप लाइन पे हैं. विश्वरूप जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. हेलो, आई बॉट सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट एंड रोड टू बोथ आरबीआई एज वेल एज एनएससीएल, बट आई हैव नॉट गॉट द 2.5% पीए इंटरेस्ट. हाउ डू आई गेट इट? Well, the interest is normally paid, Vishwaroop ji, after the completion of 1 year, it accrues to your account. So I'm not sure as to how old are those sovereign bonds, because when you buy from the secondary market, the age of the sovereign bonds has to be known because the interest normally accrues. You can also take it annually. So I would suggest that from wherever you have bought it, if you have bought it from a bank, or you said you bought it from a secondary stock exchange, so I would suggest you can probably mark your complaint to SEBI, and SEBI has got a special complaint center. If you go online, you will find that. Just tell SEBI, they are able to track down. Also, I would like to inform you that, and all the other listeners, Ministry of Corporate Affairs has set up a separate wing. It is called IEFPA. It is called Investor Awareness and Protection Authority. So this authority, whosoever's dividend is lost, remains unclaimed or probably goes to a wrong account, this authority has been exclusively doing a wonderful job. You can approach this authority. The office of this authority is in Delhi, but online facilities are available wherever you are. It doesn't matter. Go to IEPFA website. It is from Ministry of Corporate Affairs wing. Register your complaint there. They will help in tracking down. But SEBI, I thought you can try first. If it doesn't happen, then. But all I can tell you, Vishwaroop ji, that there would be a delay, but you would not lose your dividend in any way, or your interest in any way. It is probably a slight delay, which could be due to technical reasons. Sometimes, you know, the bank account details are not correct.
sometimes the bank account details do not get updated in the DMAT account. That probably that could be the reason. So I would suggest that do a little bit of soul searching, and you, if you still do not succeed in recovering, please do not hesitate to call Market Mantra back. और गाजियाबाद से हमारे श्रोता रितेश लाइन पे हैं. रितेश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. नमस्ते सर जी. नमस्ते सर. एक्चुअली क्वेरी मेरी ये है कि मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है सर. अप्रोक्स अभी वो 3 लाख के आसपास है सर, और उसमें इंटरेस्ट जो है वो 98 के आसपास है. तो मेरा क्वेश्चन सर एक ये है कि अगर मैं वहां से उसको निकालता हूं तो क्या इसमें कुछ मुझे टैक्सेस पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को. रितेश जी देखिए, जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं बताई पर मैं आपको दोनों का बता देता हूं. या तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं या वो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं. एक बैलेंस म्यूचुअल फंड भी होते हैं जिसको हम हाइब्रिड कहते हैं. उसमें भी इक्विटी अगर 65% से ज्यादा है तो वो इक्विटी में आ जाता है, 65% से कम है तो वो डेट में चला जाता है. चलिए प्रिंसिपली हम 2 मान के चलते हैं. अब दोनों में आपने रितेश जी कितना टाइम म्यूचुअल फंड्स को होल्ड किया था, ये कैपिटल गेन टैक्स उस पर निर्भर करता है. अब म्यूचुअल फंड्स में भी 2 स्कीम होती है, एक ग्रोथ वाली होती है, एक डिविडेंड वाली होती है. जो डिविडेंड वाली होती है उसमें जो डिविडेंड आपको निरंतर मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है. आपके स्लैब रेट के अनुसार उस पर टैक्स लगेगा. अगर ये ग्रोथ वाली स्कीम है तो उसमें लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर इक्विटी फंड है तो उसमें समय सीमा 1 साल की दी गई है. 1 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाता है, उस पर 10% टैक्स लगता है. अगर ये और अगर 1 साल से आपने कम रखा है तो 15% लगता है. अगर ये डेट फंड है तो उसमें समय सीमा 3 साल की दी गई है, मतलब 3 साल बाद वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा और उस पर 20% टैक्स लगता है. तो मैंने आपको सारे पैमाने बता दिए हैं. अब आप क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है तो आप इन पैमानों पे देखिए कि कौन सा आपका कहां लगता है. आपको फिर भी कंफ्यूजन हो तो आपका स्वागत है, आप दोबारा मार्केट मंत्रा में कभी भी फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं. फ्रॉम दिल्ली वी आर जॉइंड इन बाय अरुण. अरुण वी वेलकम यू. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आई एम अरुण फ्रॉम दिल्ली. प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. आई वांट एन एडवाइस फ्रॉम यू. आई एम 40 इयर्स ओल्ड विथ 5-figure सैलरी पर मंथ and I am having a house loan for 3HCR and I have a substantial amount of money left with me. Should I repay the loan or should I invest it into the equity or mutual funds? Thanks for your Arun, that's a very interesting question, and a lot of people who have borrowed money, they remain confused, especially the people like you who are in a position to repay, who got sufficient funds, or maybe they have, when they had taken the loan, they didn't have enough money, but subsequently their financial position improves, and then they are unable to decide. I mean, I personally get so many queries of your, and I'm glad you asked this question because we'll probably be able to address all the people who have this kind of a dilemma. So, see, it all depends, Arunji, on the rate of interest. It's a very simple answer if you see. The rate of interest that you are paying on your housing loan, if that rate of interest is more than the amount of return that you are generating on the savings that you have, then I think it would make sense to repay that loan. But if the rate of return you are generating on your savings is more than the housing loan interest that you are paying, then I think there is no harm in continuing to repay the loan, because eventually you are using your funds, you are probably the money is working for you. Also, there are certain inherent, Arunji, when you're working these numbers which I just described, there is also a tax advantage there. So you also discount the tax advantage. See, I think we call it as cost benefit analysis. So you will have to probably sit down with a pen and a paper and a calculator, do a little bit of cost benefit analysis. That is this cost more or the benefit you are getting out of it is more. Since you've got a 5-figure salary, I'm sure you are in a position to repay. So just do this cost benefit analysis. I will not straight away, I could have very easily said that you can repay. Why take loan on your head? But sometimes loans help you in easing your cash flow. The money that you save out of not repaying the loan, if that can be invested more productively than the rate of interest of the loan, as I said, then it makes sense to carry on with the loan. But if it is the other way around,
you must repay the loans. Also, I must tell you, you know, Arun, that some people do not want to carry a loan on their head. Unko loan sir pe rakhne mein ek bojh mehsoos hota hai. They feel burdened that I'm carrying a loan on my head. So they just want to repay. So if you're coming from that mindset, if the loan is really creating a hassle for you, you've got no other liability this, except this housing loan, then it would make sense to repay. So I've given you all parameters for you to decide. I think it's a game of numbers. It's a game of cost-benefit analysis. I think the answer lies there. But I've given you the method how to work it out. और दिल्ली से हमारे श्रोता आर एस दहिया जी लाइन पे हैं. दहिया जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं. सर मार्केट मंत्रालय टीम को नमस्कार. नमस्कार सर, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर टू टाइम्स इन मार्केट मंत्रालय फ्रॉम अनदर एक्सपर्ट. आई डिड नॉट गेट सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई. सो आई एम आस्किंग दिस अगेन टू कोहली जी. हाँ जी, the question is that if a fund manager in an asset management company does not achieve performance equal to or above the benchmark, then AMC cannot charge the expense load from the investors. That means the fund manager has not performed well, he has not put in enough efforts, he has not worked intelligently, or he is inefficient, or he lacks the professional knowledge. Why SEBI does not intervene for this to protect the interest of the investors? Mr. Bhaiya, you see, what SEBI has done is once it approves the scheme of mutual fund, then I think because SEBI would regulate only if there is an irregularity observed in either redemption to the investors or there is an irregularity in the basic functioning of the management of the AMC. The performance of the AMC, Mr. Dahiya, has been left to the market sources. When I say market forces, I mean the management of AMC is the best judge to decide where it has to invest, when it has to invest, how much it has to invest. If there is an irregularity which is observed, yes, SEBI is there to intervene. But if the fund is not performing, your specific question is, when you found that the fund was not performing properly, why is SEBI not intervening? Unfortunately, Dahiya ji, your doubt is correct. SEBI will not intervene unless the there is a deliberate default or there is a deliberate malafide intention of the AMC to probably dupe the investors or to mislead the investors. Then SEBI comes in. Otherwise, SEBI will not intervene in the overall performance. In fact, if you see the list of mutual funds, you will find that each fund within the same AMC, they also perform differently. Forget about AMC to AMC. You will find same fund in the same. Suppose there's a mid-cap fund. You will find mid-cap fund A, mid-cap fund B, mid-cap fund C would perform differently. Forget about their comparison with small-cap or hybrid or large-cap. So therefore, SEBI, you are right. It does not interfere because the preamble of SEBI, the guidelines provided by SEBI, Mr. Dahiya, does not provide for interfering in the operational aspect and performance related thing. But if you have a specific doubt about a AMC where you find that somebody is trying to mislead, defraud you, or probably trying to get into any irregular, illegitimate activity, then SEBI, Mr. Dahiya, steps in. But aapka, okay. Aapka jo sawal hai, usme wo beech mein normally dakhal, performance-related dakhal, aise nahi dete. Okay, we quickly go on to the second headline story. The domestic stocks ended with robust gains this week, subsiding the insurgence of coronavirus cases in the country. Experts said massive vaccination drive in the country, along with positive global cues, have boosted the investor sentiment. In India, over 7,30,54,000 doses of COVID vaccine have been administered to the beneficiaries in the country so far. और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अवकाश के चलते छोटे हुए सप्ताह में 2% से अधिक का उछाल दर्ज किया गया. इस सप्ताह सोमवार को होली का अवकाश था, जबकि शुक्रवार को गुड फ्राइडे की छुट्टी थी. पिछले महीने रिकॉर्ड जीएसटी कर संकलन और अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की 2.25 खरब डॉलर की ढांचागत योजना से निवेशकों में उत्साह दिखाई दिया. विश्व के इक्विटी सूचकांकों में तेजी का असर घरेलू शेयर बाजारों पर पड़ा और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स फिर से 50,000 को पार कर गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14,800 अंकों के ऊपर चला गया. Joining us now from Mumbai is Srikant Deshmukh. We welcome you, Srikant. Please ask your question.
नमस्ते कोहली सर. नमस्कार जी. सर आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद. सर मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन प्लीज समझाइए. श्रीकांत जी चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ. वैसे तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है पर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूँ. देखिए कई बार शेयर को शेयर प्राइस की जगह उसके प्रीमियम की ट्रेडिंग से जाना जाता है. मान लीजिए एक शेयर 10,000 रुपए का है, वो हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता है क्योंकि आपको अगर 10 शेयर भी लेने हो तो 1,00,000 रुपए चाहिए. तो जब आपके पास छोटी पूंजी होती है और आप स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसको जो F&O के शेयर है श्रीकांत जी उनका प्रीमियम ट्रेड किया जाता है और वो प्रीमियम एक्सपायरी उसकी हर महीने के आखिरी गुरुवार को उसकी एक्सपायरी होती है. और उसमें कॉल ऑप्शन होता है जब आप तेजी करना चाहते हैं, मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप एक कॉल ऑप्शन आप प्रीमियम चेक करते हैं. ये स्टॉक एक्सचेंज उसको लिस्ट करता है, आप देखते हैं एक प्रीमियम पे खरीद लेते हैं तो कॉल आगे बढ़ेगी तो आपको नफा होगा, आपको मुनाफा होगा. और अगर आपको मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई शेयर की प्राइस नीचे जाएगी तो आपको पुट ऑप्शन लेना चाहिए. तो पुट ऑप्शन लेने से अगर शेयर की प्राइस नीचे जाती है तो पुट का प्रीमियम बढ़ता जाता है, अगर प्राइस ऊपर जाती है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता जाता है. और इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली जो बहुत सारे ट्रेडर्स गलती कर जाते हैं वो है कि जो जो एक्सपायरी की तारीख श्रीकांत जी नजदीक आएगी उस कॉल की वैल्यू आपके प्राइस आने के बाद भी, जिसको आप स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, मैंने उम्मीद किया 110 जाएगा, 110 आ भी गया, हो सकता है उस कॉल प्रीमियम को नीचे चली जाए क्योंकि इसमें एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉल और पुट ऑप्शन में. तो उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी से एक्सपायरी के पास आते आते उस कॉल और पुट की वैल्यू गिरती जाती है. और ये तो आपने जो सवाल पूछा है ये मैं जब लेता हूं तो इसको मैं 2-3 लेक्चर्स पूरा लेता हूं इसको समझाने के लिए. हमारे पास श्रोता होते हैं, 2-3 मिनट में मैं आपको जितना बता सकता था आप बताइए, पर फिर आप इसको ऑनलाइन देखिए, वीडियोस देखिए, दोबारा कॉल करिए, थोड़ा थोड़ा करके आप पूछते जाए हर कार्यक्रम में, आपको समझ आ जाएगा. शरद, वी हैव अनदर कॉलर फ्रॉम मुंबई विद अस, हसमुख, वी वेलकम यू, प्लीज क्विकली आस्क योर क्वेश्चन, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. या थोड़ी सर मुझे ये जानना था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस $2.25 trillion ऑफ US स्टिमुलस ऑन आवर इंडियन मार्केट इन नेक्स्ट 2-3 months. हसमुख जी, अगर if I say it in very brief, the effect will be similar to your name. You know your name is such. I mean, it will bring a bit of happiness in terms of, because if any economy spends on an economy like America spends $2.3 trillion, the cascading effect, the trickling effect, call it whatever, it is definitely going to, because there are going to be Indian companies. If America spends on infrastructure, it spends on job creation, there will be a lot of Indian companies and Indian entrepreneurs who will try and pitch for those tenders, those projects. So therefore, Indian economy overall will be benefited. In fact, not just Indian economy, you will feel the effect of this package across the world. I mean, 2.3 Indian total economy, Hasmukh ji, is $3 trillion. Imagine $2.3 trillion is the total size of the package. It's a massive package. The effect would be cascading, felt across the world, and Indian economy will definitely be benefited, especially after the China-US trade cold shoulder that they have between themselves. So I think India becomes a beneficiary as an emerging market by default. Sharad, in 10 seconds or 15 seconds, what do you see the outlook of the market in the coming week? I think I was seeing it very, very, Rajesh, bullish in the coming weeks, at least bullish, if not very, very bullish. But my only dampener is the surge in corona cases. We observed almost 90,000 cases, so that can be the dampener. और शरद जी, अब चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. इस कार्यक्रम में भाग लेने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद. Thank you, Sharad. Absolutely a pleasure. Thank you. Thank you for being with us. And before we close the headlines once again, India's merchandise exports logged growth of more than 58% in March this year compared to the corresponding period last year. Supported by a massive vaccination drive in the country, Sensex and Nifty surged more than 2% during the holidays' shortened week. Sensex regains 50,000 mark, Nifty reclaims 14,800 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.